हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं अहमद रजा खान अब्दुल मोहित, और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं गीमाशी और रुगीश की टिकटॉक वीडियोस पे। फनी टिकटॉक्स हैं, कुछ मजे की भी हैं। बीच में एक लड़का भी है, उसका नाम नहीं हमें आता, तो जो दूसरी साथ लड़की है गीमाशी के, यानी कि गरिमा चौरासिया के साथ। गरिमा चौरासिया, मैं पढ़ता हूँ किताब पी डी चौरासिया, अनएटमी की किताब है इंडिया की। अच्छा, तो मोहित कह रहे भाई नाम नुम चेक कर ले, रुकी से ना लड़का नहीं काम कर ले पहले। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें इसको, छेती से छेती पास में बेल आइकन भी दबा दें। नीचे इंस्टाग्राम के लिंक से डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो शॉलो कर रहा है तो कर रहे हैं जल्दी से जल्दी से। डीएम में रिएक्शन का पूछें, जो मर्जी पूछें। बस रिएक्शन शुरू करते हैं, 3 2 1 गो। 3 2 1 अब हमारी देश की मट्टी में वो खुशबू नहीं रही नहीं भाई, ये मट्टी नहीं टट्टी उठा ली मुझे बोलता है बार बार बोलता है चाइनीज लगती है तो सुन 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 कहाँ छुपा चुपन भाई, ये कुत्तों की जिंदगी कितने सालों की होती है? 12-13 साल। तू तो 20 साल का हो गया। पता नहीं। बात तो सही है। काजल, आज अपन कोल्ड ड्रिंक पीने चलेंगे, बता कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिएगी तू? मैं ना पीऊं कोल्ड ड्रिंक, मैं तो बियर पीऊंगी पानी मिला के, और रात को मेरे मुंह में से बदबू आए तो मैं मत कियो, समझ गया? ठीक ना बियर बड़ा। यार ये तारे चमकते क्यों है? साइंस लिया था तूने? नहीं। हाँ तो फिर वो दादाजी है, मुस्कुराते रहते हैं। ये मैंने ये फेंका, फेंक दिया मैंने। फेंक दिया। किसकी चप्पल थी ये? आपकी। मैंने खुद ही फेंक दी। मैंने खुद खरीद के लेकर आई थी, मेरा दिल है उस। काजल, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? काजल, आज मुझे कोई शेर सुना दे जो टिकटॉक पे ट्रेंडिंग चल रहा हो। ले तो फिर सुन। 12 वर्षी आय हाय, खटन खटासी आय हाय, खटकली आंदे 150 रुपए किलो वाली प्याज आय हाय, आय मेर रियाज, आय मेर रियाज। वापिस रख उसे, रख दिया। आयो रिमा कबीर सिंह, यार एक्सक्यूज मी, मैं एक फोटो ले लूं? ले लो, हां ले लो। आपने तो कहा था फोटो ले लो। हाँ तो ले लो ना, तो यहाँ पे बैठी है, खड़ी होना, मेरे को अकेले फोटो लेनी है। भाई मान ले। मैंने मान ले बोला ना कि मार ले। हे कुट दिया तो भाई मान। सपोज करो। तुम लोग को पता है मेरा बॉयफ्रेंड इतनी तेज बाइक चलाता है कि पूरी जमीन फाड़ देता है। तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड इतनी तेज हवाई जहाज चलाता है कि पूरा आसमान फाड़ देता है। हाँ। और मेरा बॉयफ्रेंड इतनी तेज पाग मारता है पूरा कच्छा पाग। चेहरा तो मिल जाएगा भैया हमसे खूबसूरत। चेहरा तो मिल जाएगा हमसे खूबसूरत, लेकिन बात जब दिल की आएगी ना उठे फिर तू हार जाएगा। मैं कब से पूछे जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तब से मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? तू है। अरे बता भी दो। नहीं पता मगर तू है। बच्चे से काम, काम बच्चे से, उसके बाद अब मत देखा बच्चे से, वरना गायब तू धरती से। ब्रो तू बहुत आ रहे, बहुत आ रहे, बहुत आ रहे। सोच भी नहीं सकती, और अच्छे वाला मिलेगा, हस्बैंड वाली फीलिंग मिलेगी। तुझे क्या करना है इन एक्सुक्स के पास जाकर? आग लगे एक्सों को, है ना? मेरा एक्सो मैं तो मुझे बोलता है बार बार बोलता है चाइनीज तो सुन उसका पीछे हो गया। सुन सुन कहाँ छुपा चुपन। ओ यार एक शायरी सुनाओ। कबूतर के दो पर, वाह वाह, पहले सुन ले। कबूतर के दो पर
अब बाबा कौन करेगा, बाबा कौन करेगा? कबूतर के दो पर एक इधर एक उधर। तुझे इंस्टाग्राम चलाना आता है? आता है भाई। नहीं यार मुझे तो नहीं आता, तू चला लियो मैं पीछे बैठ जाऊंगी। वो गए पीछे। ये आटा आटा ले चाटा। ले फिर चाटा। ओ रुक बोल। आफत आफत ले फिर वापस। तो क्या कर रहा है काम में खड़ी रहे फिर के पकड़ के काटो ना जल्दी काटो ना। ये क्या सब्जी है क्या ये पतंग? काटो काटो क्या पापा पहले उड़ने तो दे। जो लोग हमसे पिछले साल जलते थे वो इस साल भी तैयार रहना, क्योंकि कैलेंडर बदला है हम नहीं। जितने भी बॉयफ्रेंड्स हस्बैंड्स यहाँ कनेक्टेड हैं, ये आप सबके लिए। जब आपकी वाली आपकी हो जाए ना, उसके बाद बड़े रिलैक्स में तो जाया करो, ठीक है? उसका मार्केट टन टनाटन रह सकता है, सतर्क रहें। कान पे लगाओ ये इसको बोलो ना। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा दुनिया से ज्यादा चलता है। दुनिया मुंह पे अच्छी बनती है और पीठ पीछे बुराई करती है। मेरा दोस्त भले ही मुंह पे कितनी भी गाली दे पर पीठ पीछे कभी बुरा नहीं बोल सकता। इसलिए तो तू स्पेशल है मेरे कलेजे के छिलके। चल अब ज्यादा खुश मत हो, चेंज पॉक लीजा। तुझे नजर ना लगे मेरी जान, तुझे काला टीका लगा दूं। तुझे नजर ना लगे मेरी जान, तुझे काला टीका लगा दूं। किसी और को जो तू देखे तुझे बम से उड़ा दूं। वो मैंने सोचा नहीं था तुझे पोटी आती है। इतनी सुंदर लड़कियां भी पोटी करती है। सब मैं कहां करती हूं? सिर्फ सुसु करती। अबे नहीं मैं अरे एक बार समझ नहीं आई आज तक, ये मैगी मेल है या फीमेल? फीमेल है। कैसे? दो मिनट का वादा करके 10 मिनट में बनती है। सही बात है। अगर सब परफेक्ट होते और किसी से कोई गलती नहीं होती तो यकीन मानो मेरा बेस्ट फ्रेंड तो पैदा ही नहीं होता। कद्दू का पता नहीं था। सब में बटेगा देखो, कद्दू कटाया मेरे दोस्त, इंतजार कर सब में बटेगा। इश्क हुआ है इंतजार कर तेरा भी कटेगा। एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। यार चलती ऐसे कौन चलता है? क्या ये? मुझे देखो मैं कैसे चलती हूँ। चलो चलो टूट गई। अच्छा बोल पापड़ पापड़ ले जा पड़ ये बोल आटा ले चाटा। छोरा किसका है? मामना का। भगत रावण का। चिल्ला परशुराम का। बोल भगवान परशुराम की जय। दादा रावण की जय। गौ माता की जय। जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में एक असली जिंदा पांडा जैसा दोस्त होता है। पर उस जिंदा पांडा की जिंदगी में भी अब बाबू सोने आ जाते हैं, फिर उनको वेट लॉस करना है। अरे चुलमुले मत कर वेट लॉस, मेरा पांडा ढिमकांडा फलांडा हो जाए। ढिमकांडा फलांडा। यार वीडियो बड़ी मजे की थी। हां हां बहुत मजे की। अच्छा वो शहनाज गिल ने इतनी मजेदार बातें की थी। नहीं मैंने बिग बॉस नहीं देखा। इस बार मैंने सारा देखा। फर्स्ट टाइम नहीं देखा। बड़ी फेमस हो गई जिसके बाद भी बड़ी फेमस। उसका गाने है कुर्ता पजामा। हां आया काला काला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। एक मिनट। हाँ वीडियो की बात ही नहीं की। अरे वीडियो जो इतनी लंबी बोली बीच बीच में बोल दिया। अच्छा दोबारा से पहले थोड़ी सी बात। तो वीडियो के पहले बात कर लेते हैं। तो भाई बताएं थोड़ा सा
एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे, इनकी स्किल जैसे तूने क्या बहुत फनी वीडियोस बड़ी कमाल, वो चलना था ना एक दो साउंड टू चुन चुन के कमाल के था, फील ही मजा आया। और हमें कमेंट में किसी ने कहा था कि वीडियो के दौरान ज्यादा मत बोले, वो तो शायरी के दौरान था ना शायरी, नहीं वो कह रहे थे वैसे भी थोड़ा कम बोल रहे हैं, तो मैंने इसलिए थोड़ा कम रहा हूँ, हम दोनों थोड़े मेंटेन करके रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं बोलते तो फिर भी कभी कभी कोई कहता है कि मजा नहीं आता रिएक्शन में, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा मत किया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बताओ।